हेलो बच्चों, आज हम जानेंगे ओपन बुक एग्जाम को कैसे अटेम्प्ट किया जाता है। बच्चों के पास कुछ मिसकंसेप्शंस हैं इस सब्जेक्ट को लेके। ये सब्जेक्ट में बच्चे सोचते हैं कि इस सब्जेक्ट को हम एग्जाम में जाके अटेम्प्ट कर लेंगे, एक दिन पहले रीड कर लेंगे तो क्या हो गया, सिर्फ देख के लिखना ही तो है, कॉपी पेस्ट ही तो करना है। ये कंसेप्शंस गलत हैं, ये थॉट प्रोसेस गलत है, ये स्ट्रेटजी टू अटेम्प्ट एन ओपन बुक एग्जाम गलत है। जब भी आपको ओपन बुक एग्जाम के लिए अटेम्प्ट करना है, पहले एग्जाम के 3 या 4 आपके मॉड्यूल की रीड हो जानी चाहिए, क्योंकि ओपन बुक एग्जाम भी उतना ही इम्पॉर्टेंट है जितने कि आपके बाकी सब्जेक्ट्स हैं। ओपन बुक एग्जाम को अटेम्प्ट करने के लिए इंस्टीट्यूट के कुछ पर्पस हैं। ये देने के लिए ये पर्पस नहीं है कि आप बस बुक लेके जाओ, आप देख के उसको कॉपी पेस्ट कर लो और आप एग्जाम क्लियर कर लो। इतना ईजी नहीं है, इतनी ईजिली वो आपको पास नहीं करेंगे। इंस्टीट्यूट का पर्पस ये है कि बच्चा कोई भी ऐसे सब्जेक्ट को जो चूज कर रहा है उसमें उसका एक्सपर्ट नॉलेज हो, उस सब्जेक्ट को पढ़ने के बाद उसके एनालिटिकल व्यूज बढ़े, उसका उतना रिसर्च स्ट्रांग हो कि हम इस सब्जेक्ट को लेके कंपनीज को कंसल्ट कर सकते हैं कि इस ऐसे सिनेरियोज में आपको क्या अटेम्प्ट करना चाहिए, ऐसे सिनेरियोज में कैसे वर्क ऑन करना चाहिए। कोई भी ओपन बुक एग्जाम अटेम्प्ट करने के लिए उस सब्जेक्ट की एटलीस्ट 3-4 पहले से रीडिंग करनी पड़ेगी। आपको इंडेक्स का थरा नॉलेज होना चाहिए, आपके मॉड्यूल में मार्किंग स्टिकी नोट्स वगैरह लगा होना चाहिए कि कौन सा सेक्शन, कौन सा प्रोविजन, कौन सी बात किस पेज में लिखी हुई है, क्योंकि बच्चों को लगता है कि एग्जाम में करना क्या है, मॉड्यूल देखना है, आंसर ढूंढना है और लिखना है। ये जो ढूंढने के लिए आपको टाइम पीरियड चाहिए, ये ढूंढने का टाइम पीरियड मेरे हिसाब से सिर्फ 2 सेकंड होना चाहिए, क्योंकि कोई भी क्वेश्चन जो आपके क्वेश्चन पेपर में आया है उसको ढूंढने के लिए एटलीस्ट 15 मिनट्स आपको लग जाएंगे, अगर आपको मॉड्यूल का, इंडेक्स का या फिर उसमें लिखे हुए टॉपिक्स का अगर बिल्कुल भी नॉलेज नहीं होगा कि एग्जैक्टली वो कहाँ मेंशन है। जब 2 सेकंड में आप क्वेश्चन को ढूंढ पाएंगे, उसके बाद उसको लिखने के लिए भी आपको 15 मिनट्स चाहिए। अब एग्जैक्ट कॉपी पेस्ट इंस्टीट्यूट आपसे एक्सपेक्ट नहीं करता है, आपको हमेशा ही सिर्फ रेफरेंस के लिए वो मॉड्यूल्स और जो दूसरी किताबें आप लेके गए हैं वो सिर्फ रेफरेंस के लिए यूज होंगी। तो अगर कोई केसेस आते हैं जो कि ओपन बुक में हमेशा आएंगे, वो एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि ये कंपनी है, उन्होंने ऐसा ऐसा काम किया, अब आप एज बीइंग अ कंपनी सेक्रेटरी इसमें सजेस्ट करिए, इसमें ओपिनियन दीजिए, इसमें कंसल्ट कीजिए कि इस सिनेरियो में कंपनी को कैसे वर्क ऑन करना चाहिए। तो आपको वो रेफरेंस बुक्स लेने के बाद अपने ओन वर्ड्स में, अपने ओन ओपिनियंस आंसर बुक में लिखने हैं, तो ही जाके वो आपको मार्क्स देंगे, तो ही जाके आप उस सब्जेक्ट को क्लियर कर सकते हैं। क्योंकि हर अटेम्प्ट्स में ओपन बुक को लेके ही काफी बच्चे रह गए हैं जो कि सोचते थे कि यार इसमें तो हमें पढ़ने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी, एक ही दिन में प्रिपेयर करना पड़ेगा, पहले से पढ़ने की जरूरत पड़ेगी, एग्जाम के एक दिन पहले सिर्फ गो थ्रू करना है और अटेम्प्ट देना है। एक लास्ट बात मैं आपको बताना चाहूंगी कि ओपन बुक सब्जेक्ट के लिए हर चैप्टर के बाद कुछ क्वेश्चंस मेंशन्ड है, वो हमें हमेशा रेफर करना है, उसकी प्रैक्टिस करनी है, क्योंकि लास्ट पेजेस में क्वेश्चन पेपर दिया हुआ है, 2-2, 3-3 केस स्टडीज दी होती है, वो उनकी प्रैक्टिस भी हमें डेली बेसिस पे करनी है। मॉड्यूल वो केसेस बहुत इंपॉर्टेंट है फॉर प्रैक्टिस पर्पस, वैसे ही रेफरेंस क्वेश्चंस हमको भी एग्जाम में आएंगे। सो बच्चों, तो आप अपने ओपन बुक एग्जाम को अब तैयार करिए, उसको रीडिंग करना चालू करिए, मार्किंग करना चालू करिए, ताकि आपको एग्जाम में कोई प्रेशर ना आए।